राम जी, आपकी दिवाली तो मनाई गई, आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं। कल को सुबह होगी नहीं होगी? राम जी चरण पादुकाएं छोड़ के चले गए। राम जी के चरण लग गए। लगभग कट गया, 15% कट गया। तो आपसे दिवाली के बाद हम रिव्यू लेना चाहेंगे, क्या है आपके ओपिनियन? सिर में दर्द हो रहा है, फिर भी पकौड़े बनने हैं। देखो इसे बोलते हैं असली यूट्यूबर की मेहनत। लाइक करने के लिए बोलिए माइक में, लाइक कर दो। मैंने अपने नाखून बड़े प्यार से बढ़ाए थे। मैं हाथों के नहीं बढ़ाती हूँ, पैरों के जरूर बढ़ा लेती हूँ, क्योंकि हाथों के तो गंदगी करते हैं। हाथों के नाखून बढ़ा के फिर घर का काम नहीं करना चाहिए। अगर हम खाना बनाते हैं तो नाखून बिल्कुल नहीं बढ़ा लीजिए। किसी से लड़ाई हो जाए तो उसका पैर मार के पैर फाड़ सकते हो। फावड़ा आई है। बड़े सुंदर लग रहे थे मुझे, लेकिन मैं आज इन्हें काटने वाली, क्योंकि अब जूते पहने जाएंगे ना, सर्दी आ गई है, तो अब मैंने काटने वाली हूँ। सुंदर लग रहे हैं ना, पेड़ पौधे लगाने होते हैं, मम्मी पैर मारती है, जमीन में वहाँ गड्ढा हो जाता है, खुदाई हो जाती है, खुदाई उसकी। देख कितने सुंदर लग रहे हैं ना, लेकिन आज मैं इनका बलिदान देने वाली हूँ। बाय बाय मेरे नाखून, बाय बाय। ये हमारी मनु मैडम ने लगाई है मेहंदी, देख रहे हो कितनी सुंदर लगाई है। अपने आप यू कह रही है अपने आप, मैंने थोड़ी ना लगाई है, मनुश्री ने खुद से लगाई है, और कितनी प्यारी लग रही है ना। वाह, तो लिख दो जल्दी से कमेंट में सबसे प्यारे आपको क्या चीज लग रही है, उंगलियां के नीचे का डिजाइन। मुझको तो उंगलियां, मनुश्री को अपनी उंगलियों का डिजाइन अच्छा लग रहा है जो इसने बनाया। पता नहीं कैसे कैसे बनाया है, सुंदर लग रहा है, मगर यहाँ से फूल बनाते हुए लगाई है। छोटे से दिमाग में क्या क्या चलता रहता है तेरे, ये इधर तक घुमा के। कौन सा डिजाइन ज्यादा अच्छा लग रहा है, उंगलियों वाला कि ये वाला? सूर्य ग्रहण के मजे लेते हुए दिख रहा है मुझे, इस चश्मे से देख रहा हूँ ना, फोकस मार रहा हूँ तो दिख रहा है कटा हुआ। भाई साहब गजब गजब। अब छोड़ो यार ये सब जो मिथ चल रहे हैं ना, ये होगा वो होगा, मैं नहीं टेंशन करता, जो होगा हो जाएगा, कोई नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, हर पल का मजे लेने चाहिए। ओ भैया क्या गजब दिख रहा है, ओम पो। डोंट नो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पर राइट हैंड से जा रहा है हल्का हल्का, राइट हैंड से हल्का हल्का जा रहा है, हल्का हल्का जा रहा है राइट हैंड से। मुझे रियल देख रहा हूँ तो दिख रहा है, आंखों से तो मुझे तो दिख रहा है, बाकी पता नहीं कैमरे में आ रहा है कि नहीं। लेने की तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बढ़िया सीन दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है हमें, देख लो तुम भी देख लो। कैमरे में ना ले पाए, पर इतना अच्छा आईफोन नहीं है हमारे पास, पर कोई नहीं, ये है आईफोन वाले दिखाएंगे, ये है तकड़ी चीज। तो आईफोन वाले दिखाएंगे, जियो दिखाएंगे। लगभग कट गया, 15% कट गया, 15 भी नहीं कहूंगा। अब तो ऐसे भी दिख रहा ही होगी, इसकी जो रोशनी है 6-7% गायब हो गया, 6-7%। हल्का सा एप्पल वाला कट आ गया, आईफोन में होता है एप्पल वाला कट, इसके ऊपर एक डंडी और लगी हुई होगी ना, तो एप्पल एप्पल वाला कट आ गया इसमें। मैं घर की छत पे चश्मा लगा के खड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ सूर्य ग्रहण। आप में से कौन कौन देख रहा है? नहीं देख रहा तो जल्दी छत पे जाओ और जल्दी से देखो सूर्य ग्रहण। और आर्यंदू जी ने कैसे कैसे फोटो खींच रहा है। आज ये लड़का फिर से पागल हो रहा है दियो के पीछे। देखो मैं कुछ कल के दिए हैं जिनमें तेल भरा हुआ है, आर्यन बत्ती बदल के लगाते हैं बेटा। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, बत्ती वो नहीं लगाते हैं। जब आज जब राम जी 14 साल तक वनवास काट सकते हैं, तो हम 14 दिन तक दिए क्यों नहीं जला सकते? ये राम का पूरा भक्त है हनुमान है ये, इसका नाम आपको पता होगा, पिछली वीडियो में हमने ज्ञान गुण सागर रख दिया था, आज फिर सजा दिया इसने सारे में। और लाइट गई हुई है, तो ज्यादातर आज लाइटिंग जिनके यहाँ लगी हुई थी ना, कहीं पर भी लाइट नहीं जल रही है, बस हमारे यहाँ थोड़ी बहुत जली, जहाँ इन्वर्टर का कनेक्शन है ना, बस वहीं पे जल रही है। बाकी सारे में आज फिर से इसने दिए लगा दिए, यहाँ पर रिवाज नहीं है, मतलब कि पंजाबियों में ना दूसरे दिन कभी नहीं जलाते हैं, फिर उस पर जलाते हैं वो जब वो होता है गुरु नानक जयंती होगी ना तब जलाएंगे। हमारे यहाँ तो गोवर्धन पूजा तक जलते हैं, भैया द्वाज तक जलते हैं दिए। तो आज सूर्य ग्रहण भी हो गया है, यहाँ पर हुआ है ग्रहण, आप सबने वीडियो देखा ही होगा।
और आज फिर से ये ज्ञान गुण सागर लगा हुआ है, उसकी तैयारी में। लाइट आ गई है, लाइट आ गई है। अब जिन जिन के यहाँ लाइटिंग हुई हुई है ना, वो सब जला देंगे अपनी लाइटें। हमारे भी आ गई। ये वाला कनेक्शन जो है ना, ये रुका हुआ है। आ रही ना, इसको ऑफ करके फिर से ऑन कर। ये रुक गया है यहीं पे। जल्दी ये जैसे रख रहे थे ना, तुरंत ऐसे हवा चल रही थी, सोए सोए सोए। आज नहीं चल रही है। आज देख कितना अच्छा चल रहा है दिया, है ना मनुष्य? हाँ। कल तो रुकने मुश्किल। आज इतनी अच्छी लौ चल रही है इसकी, देखो ऊपर तक दिखाई दे रही होगी, और वो भी दिखाई दे रहा होगा नीचे। वो पागल हुआ जा रहा है। तुझे बड़ी खुशी हो रही है ज्ञान गुण सागर। जय श्री राम, जय श्री राम। ज्ञान गुण सागर ये हमारा। हम थोड़े से पटाखे जला ले। थोड़े से पटाखे जला ले। पटाखे भी जलाने हैं, जला लो। हमने कुछ तेल निकाल रखी है सस्ते, ये चिट्टे पुट्टे फोड़ने की। पम पम हवा में उछाल लो। हाथ से ही फोड़ रहा है। और देखो, दिखाओ मीटर में मारा। हाँ, उसमें फोड़ेगी क्या मीटर में? निकल गया गलती से, देखो। अच्छा, हट। ये देखो। तेरे पास यारी पागल काम घुसा दी तूने, सारी खराब कर दी। अरे राम जी चरण पादुकाए छोड़ के चले गए। राम जी के चरण लग गए इसमें चरखी पे। राम जी, आपके दिवाली तो मनाई गई, आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं। कल को सुबह होगी नहीं होगी? सूर्य ग्रहण हो गया क्योंकि सूर्य ग्रहण तो तगड़ा वाला हुआ है। पता नहीं सुबह होगी नहीं होगी। नहीं, कभी वो पूरा ग्रहण में ही चला जाए सूर्य। अब देखने वाली बात है कि वो देखो भाई, अगर सुबह नहीं हुई ना तो मनुश्री ब्लॉग सबसे पहला इन्फॉर्मर बनेगा। बीमार हो जाएगा, बीमार दुनिया, देश, समाज। मैंने रात 6 बजे बोल दिया है कि कल सुबह नहीं होगी। सुबह होगी तो हम दिखाएंगे तुम्हें जरूर। सुबह होगी तो ब्लॉग देखो ना, बना रहे हैं, देखो होगी सुबह। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है जी, हाँ। और आरन कह रहा था मम्मी कल को सुबह सूरज उगेगा कि नहीं उगेगा। हंस रहा था क्योंकि वो मतलब अपनी समझ में पहली बार देख रहा था सूर्य ग्रहण कि कट के जा रहा है अंदर, तो ऐसा ये ऐसा ना हो कि ये पूरे ही कट जाए और कल हमें दिखाई भी ना दे, निकले भी ना। तो सुबह हो चुकी है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, बहुत ही सुंदर सी सुबह हो रही है। और हल्की हल्की ठंड हो गई ना, तो कोहरा सा भी हो रहा है। बड़ा अच्छा सा मौसम हो रहा है यहाँ पे। बैक कैमरे से दिखाती हूँ, उससे साफ दिखेगा। सूर्य देवता के बिना तो सोच ही नहीं सकते हमारी ज़िंदगी होगी भी कि नहीं। ये आधे से भी ज़्यादा कट हो गया था, और आज हमें फिर से इनके दर्शन हो रहे हैं। सभी नमस्कार कीजिए। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्य देव शहंशांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय मां भक्त्याग्रहणां घार्यं दिवाकराय। ओम सूर्याय नमः। आदित्याय नमः। भास्कराय नमः। और मनुष्य ब्लॉग्स देखने वाले सभी परिवार को गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो। जब तक ये वीडियो पहुंचेगा तब तक गोवर्धन बीत चुका होगा, ऐसे मुझे उम्मीद लग रही है। और मनुष्य के पापा थोड़ा लेट हो गए थे, तो इस करके मैंने बच्चों से पूजन करा दिया था। बच्चों को बता बता के करा दिया था कि ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, क्योंकि तब तक वो आते ना तो मतलब लेट हो जाता है। इस बार ना त्योहार में गैप लग गया है बीच में। ये दिवाली के दूसरे दिन होता था, लेकिन बीच में सूर्य ग्रहण की वजह से, गैप होने की वजह से ये दूसरे दिन हुआ है। मेरी याद में भी पहली बार ही हुआ है। यार इनको तो इतने अच्छे से करना भी नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने बता बता के करा दिया था क्योंकि उनके आने तक लेट हो जाता। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हम आपकी वीडियो देखते हैं, तो भाई कमेंट भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो, शेयर।